बॉडी बिल्डर होता ही बेचारा बातों के सुनने के लिए। और बॉडी बिल्डर के घर अगर बच्चा ना हो ना, चाहे उसकी वाइफ में कोई कंप्लेंट हो ना ना, उसकी वाइफ में अगर दिक्कत है वो भी बॉडी बिल्डर की बनती है। और ये मेरे पास एग्जांपल है, मैं मेरे कुछ दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकता, रियलिटी है ये, उनके घर बेटा नहीं हुआ या बेटी नहीं हुई तो उसमें पता क्या बोलते हैं, क्या सी ना पाउडर खा। ओ भाई लड़की का तो चेक करवा लो कुछ, कहीं उसमें कोई टेस्ट ठीक ना हो। घर वाले कहते हैं क्या पाउडर पाउडर खा रहा है, तेरी बॉडी बूडी नहीं बननी और तू बीमार हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसकी शादी होने से पहले उसको कहा कल तेरे घरे बच्चा नहीं होना, चलो बच्चा भी हो गया है ना, पर तू ज्यादा जिंदगी नहीं जिएगा, जल्दी मर जाएगा, क्योंकि तो पाउडर पाउडर खाता है। मेरे फोकस में था जिस टाइम पे मैंने शेरू क्लासिक जीता है, उससे पहले मैंने मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर पंजाब 6 टाइम, और मैं इतने सारे अवार्ड ले चुका था, मुझे ऐसे लगने लगा था शेरू क्या, शेरू तो जीत जाएंगे। और गए और जीत गए। हाँ, और गए और जीत गए। बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, बेवकूफ कहता हूँ मैं उसे, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता। प्लेटफॉर्म पे जाके इंस्टाग्राम के वो ये तक बता रहा है आज मैं ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ, देखो ये रहा इंजेक्शन, ये मैंने भरा और ये लगा लिया। इसी के सामने बैठ के गोली खाना एक शोशा बन गया है, उसमें आप ये शो करते हो आई एम प्रोफेशनल। 17 साल का बच्चा भाई, वो मिस्टर वर्ल्ड को शिक्षाएं बांट रहा है। हम आपको ये कह रहे हैं जहर नहीं लेना चाहिए, वो आपको कह रहा है जहर इस तरीके से लो, अभी लो ठीक हो जाएगा। देखो मैं भी तो ले रहा हूं, तुम भी लो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, मिस्टर पंजाब रह चुके हैं और शेरू क्लासिक के भी वो विनर रह चुके हैं। अब जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुकात थोड़ा बहुत भी रखते हैं, इन सब कॉम्पिटिशन के नाम सुन के वो लोग काफी मोटिवेट हो जाएंगे अभी से ही कि यार कौन सा बंदा आज हमें मिलने आने वाला है। आज की इस वीडियो में आप और मैं प्रचार शर्मा रूबरू होने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से, ये जितने भी मैंने कॉम्पिटिशन बोले हैं ना, ये लोगों का ड्रीम है वहां तक जाना, और वो इंसान इस सब ड्रीम्स को जी रहा है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और करते हैं आज की मुलाकात हमारे गेस्ट के साथ। तो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है फिटनेस इंडस्ट्री का जाना माना नाम अतुल गोस्वामी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं सर बहुत बढ़िया। और सर वैसे तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस समय वो नाम सुन के ही आ गए होंगे वीडियो पे है ना कि मतलब अतुल गोस्वामी, चलो देखते हैं क्या है। पर जो लोग नए जुड़े हैं इस समय उनको आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ, जो मेरे इंडस्ट्री के नहीं है लोग, मैं उन्हें बता देता हूँ। मेरा नाम अतुल गोस्वामी है और बड़ा सिंपल सादा सा एक इंसान हूँ मैं। बड़ी एक छोटे टाउन से उठ के आया हूँ, यमुनानगर में। आई थिंक मैं आया था 2017 में। तो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में तो मुझे आज 19 साल हो गए हैं, और फिटनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग से लेके ट्रेनिंग से लेके मैं लास्ट 10 सालों से यही कर रहा हूँ, और थोड़े बहुत मेडल है मेरे पास 120 टाइप। थोड़े मेडल नहीं होते 120 और ये बड़े हल्के से इन्होंने बोल दिया कि 120, उसके पीछे जो मेहनत जो स्ट्रगल है भाई वो 19 साल है, तुम वो भी सुन लेना ठीक है ना। तो सर अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो आप मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हो है ना, और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा प्रोफेशन है या फिटनेस इंडस्ट्री की आपको अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो इतने साल पहले जब आपने इसको स्टार्ट किया और मेडल्स आप स्टार्टिंग से जीतते आ रहे हो, तो वो आपने कैसे मेंटेन किया उस चीज को? बॉडी बिल्डिंग या कोई भी स्पोर्ट्स है वो आप तो पहले ये भूल जाओ कि आपको इसमें कोई सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैं एक नॉर्मल जिम जाता था और मेरा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मैं हाइट में छोटा था और ऊपर से बड़ा पतला सा होता था, मतलब मेरा बॉडी वेट 48 राउंड होता था, और मैं अपने आप को मोटा करने के लिए छोले कुलचे भी खाता था कि मुझे मोटा होना है ये वो। तो फिर मैंने एक बात सीखी थी, पर्सनैलिटी दो चीजों से होती है, या तो हाइट या बॉडी। अब हाइट नहीं बन रही थी, शायद जेनेटिक्स था और जीन्स भी आपके डीएनए वगैरह इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, तो मैंने बॉडी बनाना शुरू किया। आप बात कर रहे थे मिडिल क्लास फैमिली की, आज मिस्टर वर्ल्ड तक की भी बात कर लेंगे, सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें कंफर्ट जोन नहीं है, बॉडी बिल्डर कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रह के बॉडी बिल्डिंग में अपने मेडल अचीव नहीं कर सकता। आप भूखे रह के वर्कआउट लगाना पसंद नहीं करोगे, बिल्कुल। आप पानी छोड़ के वर्कआउट लगाना पसंद नहीं करोगे, आप नमक कम करके वर्कआउट लगाना पसंद नहीं करोगे, बट बॉडी बिल्डर के ये शौक हो जाते हैं, ये पैशन हो जाता है, उसे यही चीजें अच्छी लगती हैं। 12 महीने एक जैसी बॉडी आपका रखना शौक नहीं होता, बट आपको उस स्टेज पे जाके 12,000 आदमी में वो मेडल जीतना आपका शौक हो जाता है। बिल्कुल।
आप जीतो ना जीतो मैटर नहीं करता, बट अब जब स्टेज से नीचे आते हो आपको हर जगह अपनी फोटोज दिखती हैं नॉर्मल पीपल के साथ, आप अपना सब कुछ अचीव कर चुके होते हो, वो अंदर से खुशी मिलती है, वो अंदर से खुशी मिलती है, वो फिर ये सब कुछ एकदम हवा हो जाता है। मैंने बॉडी बिल्डिंग इसलिए चुन ली कि ये मुझे एक ऐसा प्रोसेस लग रहा था कि जिसे सिर्फ मेहनत के दम पे और एक डिसिप्लिन के दम पे आप जीत सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड है उसमें आप मतलब पहले बॉडी बिल्डर ही होंगे जो फिटनेस में मतलब ऐसा गया है कि इससे पहले भी कोई था? नहीं नहीं मोस्टली जितने बॉडी बिल्डर हैं वो उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही रहा। मेरे पापा एक ड्राइवर की जॉब करते थे। ओके। हम तीन बहन भाई हैं तो हम तीनों बहन भाई का खर्चा भी करना, स्कूलिंग एंड ऑल, आप समझ सकते हो कितना है। और ऊपर से हमारी ज्वाइंट फैमिली भी थी, तो मैंने मेरा वो टाइम भी देखा है जब मैं लेग्स का वर्कआउट उस दिन करता था जब मेरे पास एग्स खाने के लिए पैसे होते थे। अगर मेरे पास एग्स खाने के लिए पैसे नहीं होते थे मैं अपना लेग्स का वर्कआउट नहीं करता था, रिकवरी नहीं हो पाती थी। मतलब कोई ऐसा रटा हुआ वो शेड्यूल नहीं था कि आज चेस्ट करनी है या आज लेग्स करनी है? नहीं, मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना अनपढ़ टाइप था बॉडी बिल्डिंग में। जैसे जिम गए, वर्कआउट किया, जो मिला खा लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला। कि जब इतना कुछ अभी नहीं है तो उसके बाद ऐसी फिजिक लाना वो कैसे पॉसिबल हुआ आपका? मतलब वो कहां सर्कल एकदम घूम गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये इंस्टा पे मुझे आज भी मैसेज आते हैं कि भाई हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने कैसे किया, हमें भी करो आप ये वो। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक गुरु थे डॉक्टर रणधीर हस्ती जलंधर से, गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है उन्हें इंडिया में, जिनकी डेथ हो चुकी है 2014 में। ओके। मैं एक कॉम्पिटिशन खेला था, बहुत स्मॉल टाउन का कॉम्पिटिशन था, मुक्तसर शहर पंजाब में, शायद किसी ने नाम भी सुना हो आप लोगों ने। तो मैं वहां पे जितने कैंडिडेट थे उनमें से लास्ट कैंडिडेट मैं था मतलब फिर भी उन्हें मैं पसंद आया था। तो मुझे उन्होंने एक बार पूछा, कह रहे मेरे साथ चलेगा? मैं कहा, कह रहे जलंधर। मैं कहा आप मुझे ट्रेन करोगे? क्योंकि उनको ऐसा कोई नहीं था जो नहीं जानता था। मतलब आप उनको रैंडम मिले थे वहां? हाँ, कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं, नहीं कोई अप्रोच नहीं। तो उन्होंने मुझसे वैसे पूछा तू मेरे साथ चलेगा? तो मैंने कहा हाँ। कह रहे तू मुझे जानता है? मैं कहा आपको कौन नहीं जानता क्योंकि डॉक्टर धीरज तीर तब नाम बहुत बड़ा था। फिर मैं आपको नहीं बता सकता कि वो मुझे कहाँ कहाँ ले गए। वो वहां पहले मुझे जलंधर में लेके गए, मैंने उनकी जिम में एक ट्रेनर से भी नीचे स्पॉटर होता है हेल्पर, उसकी जॉब की, साथ साथ वो मुझे खुद वर्कआउट करवाते थे, खाने का तरीका क्या होता है, कितनी बार चबाना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या होती है, आने वाले टाइम में तुझे एजुकेशन कैसे अचीव करनी है, बॉडी अभी नहीं बनानी, अभी बहुत सारा डिसिप्लिन है, अभी बहुत सारा रूल्स है जो तुझे फॉलो करना है। मतलब एक साल तो मुझे उन्होंने ये चीजें सिखाई। एक साल के बाद उन्होंने मुझे वर्कआउट करवाना शुरू किया था और खिलाना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे एजुकेशन दिलवाई, बाहर से भी और खुद के पास भी जो भी थी। मतलब स्टार्टिंग में ही एक अच्छा हाथ मिल गया। हाँ। और ग्रूमिंग अच्छी हो गई स्टार्टिंग से। लोग सारे यही कहते हैं कि उसका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है अतुल का। बेसिकली बेस जिसका स्ट्रॉन्ग है फिर वो रिजल्ट सामने ही है। तो आपका अगर बेस पावरफुल है ना, तो पहली बात तो मैं किसी को नेगेटिव नहीं कहता। अगर मेरे सामने बैठ के कोई कहता है आई एम एक्सपर्ट, मैं कहता हूँ यू आर एक्सपर्ट। ये लाइन ऐसी है, आपको जितना सीखने को मिल रहा है आप सीखते जाओ, बहसो मत। हर कोई वर्कआउट हार्ड वर्क करके आया है, उसका स्ट्रगल और उसका एक्सपीरियंस तो देखो। और अगर नहीं है और आप उसे समझाओ, अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो कट ऑफ कर लो, बट किसी को बुराई मत करो उसकी। हार्ड वर्क तो यार वो करके आया। बिल्कुल। तो इसीलिए नेगेटिविटी से दूर रहो, मैं तो यही कहता। जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग में समय आ रहे हैं और जो अभी बिगिनर्स हैं जिन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, बट एक जैसे आपको ग्रूमिंग स्टार्टिंग में अच्छे से मिल गई थी, तो उसके लिए वो यार भटकते हैं जिम टू जिम और ना डाइट का समझ में आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या करें? आज के टाइम में सबसे बड़ा जो कमी है, मैं सिर्फ ट्रेनर्स में नहीं बोल रहा, क्लाइंट्स में भी है। आप आज एक ट्रेनर हायर कर रहे हो, एक महीने बाद दूसरा कर रहे हो, दूसरे महीने बाद तीसरा कर रहे हो, टाइम तो दो। आपने कभी आप पढ़ के आए हो पीछे से, क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्या अभी आपने एक मंथ में एक क्लास कर ली? क्या आपने ग्रेजुएशन 3 इयर्स की जगह 1 ईयर में क्यों नहीं कर ली? बिल्कुल। आपका जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, ट्रेनर को टाइम तो दो। एक तरफ से तो आप अपने ट्रेनर को गुरुजी कहते हो, दूसरी तरफ से दूसरा ट्रेनर हायर करके उसी की बुराइयां करते हो।
कह रहे शास्त्रों में भी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, गुरु माना है तो दिल से मानो, और वो क्या कहते हैं उसे, दीक्षा देनी है नहीं देनी वो आपकी मर्जी है, पर बुराई मत करो। बिल्कुल ठीक है, उसको जितनी नॉलेज थी वो क्यों नहीं देगा आपको, आपने उसे पे किया है, वो सिरदर्दी लेता है, उसको जितनी नॉलेज थी आपको उसने दिया है, आपको पसंद नहीं आपकी मर्जी, बड़ा बुराई मत करो। बिल्कुल आज के क्लाइंट्स में सबसे बड़ी कमी यही है, वो टाइम नहीं देते। आज के टाइम का क्लाइंट्स क्या है मैं बताऊं आपको, हमने गोवा जाना है बॉडी बनानी है, 6 महीने बाद हमारी शादी है जी, हमें बॉडी बनानी है। आप लोग भूल चुके हो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बेसिकली ये भी एक साइंस ही है, बॉडी को समझना। हाँ, हर किसी ने बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, आपको बॉडी नहीं बनानी अतुल जैसी, आपको जाके स्टेज पे मेडल नहीं जीतने, बट आपको फिट तो रहना है, हेल्दी रहना है, आपका लाइफ फिटनेस जो स्टाइल है वो बॉडी बिल्डिंग है, बट आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन नहीं करनी, क्लाइंट को ही अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। आप पे करते हो, आप ग्रेजुएशन करते हो, आप एक ट्यूटर रखते हो, आप स्कूल में भी सीख के आते हो, बट आपको जो जिम में जाके पे नहीं करना, आपको सप्लीमेंट्स पे करना है, प्रोटीन खाना है या नहीं खाना आपको नहीं पता, बट आपको लेना है। एक डीलर ने बोला है भाई इससे तेरे बाइसेप बन जाएंगे, जरूर खा, क्यों, जो जिम में ट्रेनर वर्कआउट करवा रहा है आपको मेहनत करवा रहा है उससे नहीं पूछोगे क्या? अब यहाँ पे किसी जगह ट्रेनर की भी कमी है, अनएजुकेटेड। हाँ, कुछ मिसगाइड कर देते हैं, नए नए लड़के हैं, ये प्रोटीन तेरी बॉडी पे वर्क करेगा, पैसे कमाने का वो भी एक है। अब इनमें से पहचाने कैसे, इनमें से पहचाने के लिए मैं हमेशा यही कहूंगा, क्लाइंट और ट्रेनर दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, एक रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। वो आप जब तक नहीं समझोगे, वो आपकी बॉडी नहीं समझेगा, तो आपको कैसे गाइड करेगा? ट्रेनरों के लिए एक मैसेज मेरा बस ये है, आप कुछ भी कर रहे हो आप उस चीज को क्वांटिटी में लो, आप अच्छा रिजल्ट किसी को दोगे आपके पास 1 से 100 होंगे, नहीं तो आपके पास 1 से 1 ही रहेगा। बिल्कुल, क्लाइंट के लिए एक मैसेज है, अगर आप अपने ट्रेनर को अपना चुके हो तो उसे थोड़ा टाइम दो, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आपने लिया, आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया तो उसकी कंप्लेंट मत करो। हाँ, उसकी फुल पोटेंशियल तक तो जाओ एक बारी, वो कुछ कुछ तो रिजल्ट दिखाएगा आपको, वो रिजल्ट, लोगों को भी आजकल वही हो गया कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आज जिम ज्वाइन हुए हैं हमें भाई बड़ा 30 डेज 45 दिन में ना ऐप चाहिए। हाँ, पॉसिबल नहीं, ठीक है मैंने बोला मेरे पास इतने सारे मेडल्स हैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूं 12 महीने एब्स हम भी नहीं रख सकते, तो आप क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल, एक बॉडी बिल्डर जितना स्ट्रगल नहीं कर सकते आप। मैंने बोला है एक टाइम पे बॉडी बिल्डर ऐसा होता है जो आपके पूरे घर का खाना एक दिन में खाता है, एक बॉडी बिल्डर, वही बॉडी बिल्डर एक टाइम पे ऐसा होता है जो आप 1 साल में खाते हो ना वो 3 साल में उतना खाता है, समझ रहे हो मेरी बात, कि वो कभी तो बहुत कम खाता है कभी वो बहुत ज्यादा खाता है, तो आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर ना करो, क्योंकि वो अपना वर्कआउट हमेशा बढ़ाता जाता है कम नहीं करता, आप उसका हार्डवर्क तो देख नहीं रहे, टीके लगाए हैं इसने, इंजेक्शन लगाए हैं इसने। बिल्कुल, एक बार उसके साथ वर्कआउट तो करके आओ, आज यू थिंक अबाउट इट, वो नमक भी नहीं खाता होगा किसी टाइम। हाँ, ये मतलब कहीं जो इस फील्ड में है वो लोग तो जानते हैं, लेकिन जो लोग इस फील्ड के नहीं है उन लोगों को अभी भी नहीं पता, कई लोग हमारे स्टूडियो में भी हैं ऐसे मौजूद, उन्हें भी नहीं पता था कि जितने भी ये कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं वो पानी और सॉल्ट छोड़ के रखते हैं। डिपेंड ऑन कंडीशन होता है, टेक्निकली इंडिया अब बहुत आगे हो गया। ओके, अब इंडिया को एक चीज समझ आ गई है, ज्यादा भूखा रहने से कोई फायदा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व करें तो हम कंफर्ट जोन में रह के भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, बट पानी छोड़ने का मेन रीजन होता है लाइक अपनी ब्लोटिंग को दूर करने के लिए, पेट की ब्लोटिंग नहीं चाहिए होती इन्हें, इसलिए पानी होल्ड कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, नमक इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि ये उससे कुछ टाइम पहले ये नमक लोड करते हैं, फिर नमक को होल्ड करते हैं, फिर आपके मसल्स में जो सोडियम होता है वो निकल जाता है जिससे आपकी बॉडी शार्प दिखती है। इट्स अ लॉट ऑफ साइंस, मतलब मैं अगर इसके बारे में बात करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बट मैं शॉर्ट कट में बता रहा हूँ, बट नॉर्मल लोगों के लिए ये अच्छा है या नहीं और ये करना चाहिए या नहीं ये उन्हें पता ही नहीं है, ये बस एक डीलर ने बोल दिया। तो सर हम बात करें, अभी आप इस समय गुड़गांव में हो है ना, वहां पर काफी लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हो, अलग अलग कई चीजें भी स्टार्ट की हुई है, आपका यमुनानगर से कनेक्शन क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, अभी
मतलब जो मेरे यमुनानगर के दोस्त हैं मेरे ख्याल से उन्हें भी नहीं पता होगा भाई यमुनानगर कैसे आ गया। हाँ कि मतलब आप बेसिकली कहां से हो कि आप यमुनानगर 2016 में मैं हाइप जिम में था कुड़गांव में सेक्टर 31 में, मुझे अच्छे से याद है। उन्हें सैलरी वैलरी को लेके मेरे साथ थोड़ा इशू हो गया क्योंकि हमारे जॉब में इंसेंटिव भी होते हैं, लाइक आप इतना सेल करते हो टोटल जिम का तो आपको इतना परसेंट मिलता है। वो मेरे जाने से, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा मैनेजिंग बहुत स्ट्रांग है, ओके, तो वो उनका सेल बढ़ गया तो मेरे पैसे बन गए थे वहां पे 150 लाख समथिंग एंड ऑन, उन्होंने मुझे 50,000 दिए। अच्छा, मैं कभी लड़ता नहीं किसी से इस काम के लिए क्योंकि मुझे ना गुड विल में रहना और गुड बुक्स में रहना बहुत पसंद है, तो मैंने उनको बड़े प्यार से बाय बोला और मैंने कहा ओके। मतलब आपने इंसेंटिव मांगा ही नहीं अपना, जो दिया रख लिया, जो दिया रख लिया मैंने और डन कर दी जॉब। और उसके बाद वर्कआउट वहां करता रहा। तो एक दिन मनीष सर है, उनका प्लेटिनम जिम है चंडीगढ़ पंचकुला में, इस टाइम वो प्लेटिनम हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारा जिम है मतलब जिनको वो हैंडल करते हैं। पहली बार उन्होंने अमेज फिटनेस यमुनानगर में ओपन किया, ओके, तब उनको मेरा नाम याद आया कि अतुल से एक बार ना प्लेटिनम में बात हुई थी, बट अतुल मेरे पास आया नहीं था क्योंकि तब भी मुझे गुड़गांव का नशा था। तो मुझे आगे कहते तू मुझसे मिलेगा, मैं कहा हाँ जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कह रहे तुझे यमुनानगर आना है, मैं कहा यमुनानगर, तो कह रहे बोल नहीं रहा, मैं कहा नहीं मैं गूगल मैप पे साथ साथ देख रहा हूँ ये कहाँ है। अच्छा, कह रहे तुझे यमुनानगर नहीं पता, मैं कहा सॉरी सर, मैं एक तो फाजिलका जहां से मैं पैदा हुआ लोगों को ये समझाने में भी टाइम लगता है, आप भी मुझसे वैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि यमुनानगर कहाँ है तुझे पता नहीं है। तो कह रहे कुरुक्षेत्र पता है, मैं कहा हाँ मैं करनाल, मेरा नानका शहर है, नाना मामा सब वही है। तो कह रहे फिर तो तुझे यमुनानगर पता होना चाहिए, मैं कहा सर आप बता दो मैं आ जाऊंगा। तो कह रहे तुझे सबसे पहले करनाल ही आना है, करनाल से तुझे यमुनानगर आना है, आराम से तुझे कन्वेंस मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपके यमुनानगर बस स्टैंड के बाहर पहुंचा, तब मुझे ऐसा लगा मैं किसी गांव में आया हूं, अब मुझे यहां से जाना कहां है। कब कब की बात है ये, 2016 की बात। मतलब मैं यहां पे आके मुझे, मैं संडे के दिन आया था तो सब कुछ बंद बंद भी था शायद, तो मुझे ये लगे भी मैं कहां यार, मैं गुड़गांव से आया था। तो माहौल मैटर करता है ना। तो फिर वो इन्होंने मुझे बताया भी आप वहां से ऑटो लेके मधु होटल के पास आ जाओ। तो मैं मधु होटल के पास लगा आया तो मुझे थोड़ा दिखा भी सिटी है, शहर तो है भाई। तो फिर मुझे वहां से एक बंदा आया और जिम में ले गया। तो हमारी तब पहली डील हुई थी, मनीष सर मुझसे मिले इमोशनली अटैच, मैं उन्हें मिला एक प्रोफेशनल लड़का जिसको सिर्फ प्रोफेशन का काम आता था। सर ने बहुत बहुत बड़ी बातें की और इन्होंने पूछे कि फिर आप पैसे और ये वो तो ज्यादा लोगे, और मैं अपनी जुबान पे था हाँ वो तो ज्यादा लूंगा। तो कह रहे अतुल पीटी यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग हम उसे कहते हैं, उस टाइम पे आपके यमुनानगर में पर्सनल ट्रेनिंग 500 रुपए चलती थी, रनिंग में थी। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने सर को बोला, मैं कहा सर पर्सनल ट्रेनिंग तो 10-15 हजार करेंगे मतलब पर हेड। कह रहे तुझे लगता है ये पॉसिबल है, मैं क्या वो पता नहीं विश्वास है करते हैं। तो कुछ उनके ऑफर्स कुछ मेरे पे ट्रस्ट उनका वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आप पे किसी को ट्रस्ट हो तो वो तोड़ने का दिल नहीं करता, बिल्कुल वो आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है। मैंने उस चैलेंज को पूरा किया, मैंने ये वही अमेज फिटनेस था जिसकी 5 से 6 लाख रुपए सेल थी टोटल मेंबरशिप एंड ऑल सब कुछ, ये वही अमेज फिटनेस था जिसकी उससे 3-4 महीने बाद सेल थी 25 लाख 26 लाख, इतना बड़ा हाइप। और उस समय कह सकते हैं या फिर तब से लेके अब तक भी हाईएस्ट पेड जो वो अमेज फिटनेस में ही है, उसी में गया। आज जितने मर्जी जिम आ गए हैं, जैक फिटनेस आ गया, फिट 7 आ गया है, ये आपका जगाधरी में बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड ऑल कुछ भी आ चुका है, बट अगर मैं आज सही ढंग से भी बात करता हूँ तो ये कहते हैं ना मैनेजमेंट, आजकल की जिम जिम नहीं रह गए, वो जिम खत्म हो गए, 500 रुपए दिया अंदर चले गए, आजकल के क्लब हो गए हैं। और आपको क्लब को कैसे हैंडल करना चाहिए वो आपके यहां से शुरू होता है। आप कोई पढ़ा लिखा MBA पास इस मैनेजमेंट सीट पे बिठा दोगे, ही डोंट नो अबाउट मैनेजमेंट। और मैं वहां से आया था जहां पे चलती मैनेजमेंट है, जहां पे सिर्फ पैसा ही देखा जाता है, जहां पे क्लाइंट को भी चलता फिरता ऐसे लगता है नोट की गट्टी आ रही है, बिल्कुल गुड़गांव जैसे शहर में। तो मुझे वो चीजें आती थी, बट आप किसी से, मैं एक चीज समझ गया था यमुनानगर में आके, यहाँ पे लोग लाख रुपए भी पे करेंगे बट उन्हें रिजल्ट चाहिए, उन्हें क्वालिटी चाहिए।
आपके तौर तरीके ही गलत होते हैं। आप किसी जिम में या क्लब में जाके सबसे पहले आप जब किसी को ये बोलना शुरू कर देते ना, भाई और भाई क्या हाल है, सर कैसे हो, इन चीजों में बहुत फर्क होता है, बिहेवियर मैटर करता है। आप किसी से पैसे ले रहे हो, देन उसे फील तो करवाओ कि वो किसी लग्जरी जगह पे आया है। बिल्कुल, ताज होटल की दाल बकवास होगी, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने बहुत बार खाई है, बट प्रेजेंटेशन तगड़ी है, वो मैटर करती है ना। क्योंकि अभी अगर जिम में जाओ, ला चल तू ये लगा ले, ये चलता है, चल तू ये कर में आया, मेरे बारे में आप रिव्यू ले सकते हो। मेरा जितना एक स्टाफ है वो डरता है मुझसे, वो कह रहा अतुल गोस्वामी यार हो यार। उसका रीजन पता क्या है, उन्हें जो चीजें लगती हैं वो जॉब के लिए जरूरी हैं और मैं वो चीजें छोड़ नहीं सकता। फ्लोर जेस्चर, आपका वे ऑफ टॉक, बिल्कुल, आपको लोगों को ग्रीट कैसे करना है, एंड कस्टमर सर्विस, ये जानो पहले, पढ़ो। डिसिप्लिन हर चीज मांगती है, हर फील्ड मांगती है। आप सोचो ना, आप एक जिम में खड़े हो, बहुत बड़ा जिम है, आप उस जिम में जिम देखने गए हो और आपका ट्रेनर टेबल पे लेटा पड़ा है, कैसा लगेगा? बिल्कुल गंदा लगेगा। नहीं मंजूर यार, ठीक है, आप जिम में गए हो, आपका ट्रेनर, आपका नहीं सॉरी, वैसे ही ट्रेनर फोन पे लगा इधर उधर फिर रहा है, कैसा लगेगा? यही चीजें तो मना की है बस। पर वही है ना कि लड़कों को कंफर्ट जोन चाहिए, बट एट द एंड वही आ जाती है कि आपने चलो एक अच्छा इनिशिएट किया कि हम कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद घूम फिर के फिर वही नहीं, अब उन्होंने फॉलो कर लिया। अमेज बहुत हाइजेनिक सा जिम है, बड़ा आजकल वो साफ सुथरा रखा है, मैं जाता हूं अभी। मनीष सर की एक चीज बहुत अच्छी है उनकी, कि वो अगर उन्हें कुछ अच्छी चीज है ना, वो उसी टाइम पकड़ लेनी है, और जो कुछ बुरी चीजें उसी टाइम खत्म कर देनी है। एक्चुअली में अब रोल क्या हो गया है, अब मार्केट खराब करने का तरीका अपनाया गया। मेरे जाने के बाद टीम टूट गई, ओके, क्योंकि ये काम आपका हमेशा टीम करती है, आप अकेले नहीं कर सकते, ये वन मैन आर्मी काम नहीं है। एक अकेला मैनेजर अगर किसी जगह पे खड़ा होकर ये बोलता है कि मैं कर दूंगा, ये नहीं कर सकता, आपको आपके हैंड भी वैसे चाहिए। मेरे टाइम पे उस जिम में 12 ट्रेनर थे, आज 2 या 3 है, और फिर आपके ट्रेनर के जेस्चर, फिर आपका ट्रेनर मोटिवेट भी रहना चाहिए, आपका ट्रेनर तब काम करेगा जब आप भी कर रहे हो। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक टीम वर्क को चलाने में कैसे मैटर करती है, वो माइंड से हो। फिर मैंने यमुनानगर नहीं छोड़ा, तो मैंने यमुनानगर में 2017 से लेके 2020 तक काम किया, 3 साल, मतलब कोविड के समय आप यहीं थे। हाँ, और मैंने सारे, मेरे ख्याल से 15 से 20 मेडल मैंने यमुनानगर में लिए, मेरे लिए यमुनानगर बहुत लकी था। तो यमुनानगर वालों के लिए भी एक काफी प्राउड मोमेंट है। हाँ, है ना, अगर यमुनानगर के लोग ये बोले कि यमुनानगर में किसी चीज की कमी है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत पीसफुल सिटी है यमुनानगर। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि 2017 में आप यहाँ पर आए, तो फैमिली भी साथ आई, मतलब हमें तो ये लग रहा था कि आप शायद यहीं के हो बेसिकली, बट आप आए यहाँ पर यमुनानगर में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं गुड़गांव से शिफ्ट हुआ था, तो मैं अकेला ही आया था, फिर मैं बैचलर्स के साथ रहता था यार तो फिर मुझे एक टीम क्रिएट करनी थी, तो मुझे देखना भी तो था यमुनानगर में कुछ है भी पावर या नहीं, या सिर्फ मैं ही अलग ट्रस्ट करके बैठ गया हूँ। बट नहीं, हाँ, 3-4 महीने में सब कुछ रिजल्ट्स आ चुके थे, आपको ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए था, वो आ गया, यमुनानगर ने दिया। हाँ, और मेरा बेटा तब था 2-3 साल का, मैरिड थे आप? हाँ, जब आप यहाँ शिफ्ट? बिल्कुल, तो उससे मैं करता था, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता भी हूँ, तो फिर मैं उनको यहाँ पे ले आया था। पहले वाइफ और बेटा आया था, और उसके नेक्स्ट ईयर ही पापा और मम्मा आ गए थे, क्योंकि पापा ने अपना बिजनेस सेट कर लिया था यहाँ, और अबाउट जितनी ये गाड़ी वगैरह होती है तो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है, अब भी उनका यही काम है, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट समझते हो गए आप, जितना रेलवे का काम चलता है रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ियां चलती हैं, तो पापा की चलती थी। अभी भी वही काम उनका, वही। हाँ, मैं आज भी उन्हीं से मिलने आया था। अब आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए? हाँ, मैं गुड़गांव। तो कॉम्पिटिशन वगैरह जैसे अभी रिसेंटली भी आपने किए यमुनानगर, तो फिर वो मतलब कॉम्पिटिशन में ही? हाँ, मैं सिर्फ कॉम्पिटिशन प्ले करने आया था, क्योंकि जिन्होंने कॉम्पिटिशन करवाए थे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि थोड़ा नाम ज्यादा है तो लोग बुलाते हैं कि अगर तू कम बैक किया है, क्योंकि मैंने 3.5 साल बाद कम बैक किया दोबारा खेलने के लिए। तो वही है कि मतलब शेर को जितने मर्जी टाइम पीछे रख लो, फिर वो आएगा दोबारा, तो फिर दोबारा जीतेगा, फिर से जीतेगा। लोगों को होप बहुत ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन भी थी, अतुल आया है तो मुझे देखने के लिए पता नहीं लोग कहीं कहीं से आए थे, अतुल को एक बार हमने देखना जरूर भी कैसा बन के आया है। वो इस समय ऑडियंस भी देख रही है आपकी वीडियो साथ साथ चल रही है स्क्रीन पे, तो आप लोग देख ही सकते हो कि क्या बॉडी की कंडीशन इन्होंने करी, कैसे मैनेज किया।
इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए आज की डेट में, उस समय तो जैसे जैसे तैसे करके आपने मैनेज किया, अब मतलब ऐसी फिजिक के लिए क्या, अगर हम सोच के चले कि खर्चा आता होगा बॉडी को मेंटेन करने में, और आप क्या मतलब कितना खाते हो? बॉडी बिल्डर के मतलब होता है मिथ कि यार पता नहीं कितने खाते होंगे, या फिर यार इनको तो मेंटेन करना है तो ये चुन चुन के खाते होंगे कि इसमें इतनी कैलोरीज है नहीं खाना है। बॉडी बिल्डर बहुत खाता है ये मिथ नहीं है, ये सही है। ओके, बॉडी बिल्डर चुन चुन के खाता है ये भी मिथ नहीं है, ये भी सही है, दोनों चीजें सही है। हाँ, और बॉडी बिल्डर कम खाता है ये भी मिथ नहीं है, ये भी सही है। कंफ्यूज हो गए आप? सभी सभी हो गए होंगे इस समय। 12 महीने में बॉडी बिल्डर का हर फेस अलग होता है। पिछले 2 महीने से मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह खाना खा रहा हूं 3 टाइम का, और जिम जा रहा हूं। 2 महीने से पहले मैं अपने एक पीक पॉइंट पे था, जब मैंने अभी ये मेडल लिए लेटेस्ट, तब मैं प्रॉपर बहुत कम खा रहा था, कैलोरीज डेफिशिएंसी पे था, वर्कआउट बहुत ज्यादा था। उससे पिछले 3 महीने में जाते हैं तो मैं गेनिंग पॉइंट पे था। मैं सुबह 3 बजे उठ के पहला मील खाता था और रात को 1 बजे तक खाता रहता था, मतलब मेरे दिन के 10 मील होते थे। 10 मील हर मंथ में, हर डेज में, आपकी बॉडी कंडीशन को देखते हुए आपका डाइट चार्ट, आपका वर्कआउट प्लान चेंज होता है। अगर हम ये सोच रहे हैं आप 12 महीने एब्डोमिनल्स एब्स एक जैसे दिखे, नहीं हो सकता यार। बॉडी बिल्डर का तो 12 महीने फेस भी एक जैसा नहीं दिखता। आप मेरी वीडियो चला रहे हो, आप उसमें देखो किसी में तो इसकी शक्ल कैसी दिख रही है, किसी में इतना ग्लो है, किसी में बिल्कुल डल लग रहा है। हाँ, कंपटीशन में जैसे वेट लॉस करते हैं हम, बहुत ज्यादा करते हैं। आपने भी रिड्यूस किया काफी अभी जो हुआ था उसमें, कितना? मैंने 20 kg रिड्यूस किया था। 20 kg रिड्यूस। मैं यहाँ पे जब यमुनानगर में आया था खेलने तो मेरा बॉडी वेट था 68, मेरा आज का बॉडी वेट है 87। उतना इंक्रीज भी दोबारा ग्रेजुअली कर दिया 1.5। तो इससे जैसे आप कंपटीशन खेलते हो, कई लोग होते हैं जो नॉर्मल बॉडी बनाते हैं, उनकी जो बॉडी है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो इतने उनको जूझना नहीं पड़ता कि वेट बढ़ाया घटाया, उनका मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से वर्क करता है, आप लोगों का अलग वर्क करता है। तो आपको इस कंडीशन में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता अपनी बॉडी को लेके? एक मसल मेमोरीज नाम की एक चीज होती है। जैसे आप हो, आपको मेरी कंडीशन में आने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। ओके, मेरी कंडीशन में आने के लिए, लेवल में नहीं, कंडीशन की बात कर रहे हैं, बॉडी कंडीशन। और अगर मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे फिर से सेट होने में कितना टाइम लगेगा, अराउंड 90 डेज, क्योंकि मसल मेमोरीज बन चुकी है, मेरा मसल उस चीज को समझ चुका है और उस फ्लो में चल रहा है, और उसपे जो मैं चीज करके आया हूं पीछे और अब मैं नहीं कर रहा, तो वो खत्म नहीं होगी है बॉडी में, वो होल्ड पे है, मतलब यहां पे है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, और जब मैं उसको लाऊंगा जो नॉर्मल लाइफ है, बस वो यहां आ जाएगी, ये वहीं रहेगा, फिर मैं अपने आप को रेडी करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये यहीं आ जाएगा, फिर नॉर्मल लाइफ क्या होगी, फिर मैं जीता रहूंगा वैसे होऊंगा। बट ये बढ़ गई ना, बॉडी समझ चुकी है कि आप उसको कैसे ला रहे हो रूटीन में, है ना। आपकी बॉडी में, आपके मसल में, सब लोगों को कहता हूं मैं, आप भी सुनो, आंखें और दिमाग नहीं है, आपकी बॉडी को आप चलाते हो। बिल्कुल। जब आप इस फील्ड में आए और एकदम हाइप मिली, नाम हो गया, काफी अलग अलग लोगों ने भी अप्रोच करने की कोशिश की होगी, जिसमें कई बड़े नाम भी हैं सब, तो उनके बारे में अगर कुछ बात करना चाहें हम? हाँ, मैं जानता हूँ हम बैठे हैं, काफी लोग सुनना भी चाहेंगे, सब काम लगा के ऐसे बैठेंगे अभी कुछ बोलेंगे, हम बैठे हैं और ये बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जहां पे मैं जाता हूँ एक मेरे साथ 2 नाम जुड़े आते हैं, साहिल खान और शेरू क्लासिक चैंपियन। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं कंट्रोवर्सी में आता नहीं हूं और मुझे इस बारे में वैसे ज्यादा बात नहीं करनी, बट आप और सब लोग जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, उन सब के लिए एक चीज बोलूंगा मैं, हर कोई अपनी लाइन में अच्छा होता है, हर कोई आपके लिए तो पता नहीं बट अपने लिए वो अच्छा करना चाहता है, कोई भी अपने आप को कभी गलत नहीं कहता, हर कोई यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया है, हर कोई अपना नाम कमाने के लिए आया है, तो इसलिए आप किसी के नाम में एंटर ना करो, आप किसी की इनकम में एंटर ना करो, आप बस देखो और अपना हार्डवर्क करते रहो, सब अच्छा होगा। तो शेरू क्लासिक हम नाम लेते हैं कि बहुत बड़ा, मतलब ये कह लो कॉम्पिटिशन है,
और बहुत लोगों का ड्रीम है मानता है कि हम चले भी जाएं उस स्टेज पर जाकर जीतना, एक मतलब क्या उस समय आपके मन की फीलिंग रही? मैं आपको सच बताऊं, मैं उस स्टेज पे जीत के आ गया था और मुझे ऐसे लगता था मैंने कोई छोटा सा टाइटल जीता है। अब मुझे रीजन क्या है सुनना चाहेंगे? मैं यहाँ पे इतने बड़े फोकस में था, जिस टाइम पे मैंने शेरू क्लासिक जीता है उससे पहले मैंने मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर पंजाब 6 टाइम और मैं इतने सारे अवार्ड ले चुका था, मुझे ऐसे लगने लगा था शेरू क्या, शेरू तो जीत जाएंगे। और गए और जीत गए। हाँ, और गए और जीत गए। पर जब मैंने वहां पे पहली बार देखा ईरानियों के साथ फाइट्स, तब मुझे पहली बार समझ आया वो भाई ये ग्रेजुएशन का नहीं, ये तो मास्टर डिग्री है, अब ये अचीव करना है। क्योंकि आप उस फील्ड में चले गए जिसमें आपको अपने से भी बड़े दिखे, बड़े भी कौन से दिखे, आपकी हाइट के, आपके वेट के। मैंने फर्स्ट टाइम ईरानियों के साथ फाइट शेरू क्लासिक में की। एक्चुअली पता क्या था, मेरे एग्जाम का सिलेबस लेके आया था कि मुझे अब उस पर वर्क करना था और बाय चांस लॉकडाउन हो गया। ये लॉकडाउन तो मतलब बहुत, देखो लॉकडाउन में ऐसा रहा कोविड के बाद, मेरी नहीं बड़े बड़े लोगों की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं रहे वो बिल्कुल। तो लॉकडाउन के बाद सबसे पहला अपने मिडिल क्लास के अपन जैसे बात कर रहे थे, हमारा सबसे फर्स्ट वर्क ये था कि अब हमें इस चीज को सॉर्ट आउट कैसे करना है और अपने खर्चे कैसे चलाने हैं और हम अब सर्वाइव कैसे करेंगे। सर्वाइव वाली मुश्किल हो गया तो बॉडी बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, उस चीज को मेंटेन कर कैसे, बड़े सारे चैलेंजेस को। हाँ, बड़े सारे लोगों ने बीच में आके, अब भी जब मैंने कम बैक किया मुझे डीमोटिवेट करने का ट्राई किया। ओके, मेरे गलत गलत इंटरव्यू, जैसे आप अच्छा एक इंटरव्यू ले रहे हो, उन्होंने लिया तो अच्छा बट उसे मॉडिफाई करके कुछ और बनाने का ट्राई किया। फाइनेंशियली आप वीक हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं आप गरीब हो गए हो, फाइनेंशियली वीक होने का मतलब ये होता है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने वो लिया और कोई रीजन नहीं। लोग तो कुछ भी लिखेंगे यार ये तो खत्म है, आप बहुत नेगेटिव कमेंट आते होंगे इस चीज के लिए आपको। यार देखो, एक बॉडी बिल्डर के लिए सबसे परेशानी की बात बताता हूँ, शुरू से जो चलती आ रही है, बॉडी बिल्डर होता ही बेचारा बातों के सुनने के लिए, जब वो शुरू करता तब से शुरू हो जाती है। जब वो शुरू करता उसके घर वाले कहते हैं क्या पाउडर पाउडर खा रहा है, तेरी बॉडी बूडी नहीं बननी और तू बीमार हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसकी शादी होने से पहले उसको कहा कल तेरे घर बच्चा नहीं होना, ये सबसे बड़ा एक है ना। जब उसके घर बच्चा हो जाता है, चलो बच्चा भी हो गया है ना, पर तू ज्यादा जिंदगी नहीं जिएगा, जल्दी मर जाएगा, क्योंकि तो पाउडर पाउडर खाता है। भाई तुम कहां से छोड़ रहे हो उस बंदे को बेचारे को। और बॉडी बिल्डर के घर अगर बच्चा ना हो ना, चाहे उसकी वाइफ में कोई कंप्लेंट हो ना, ना उसकी वाइफ में अगर दिक्कत है वो भी बॉडी बिल्डर की बनती है। और ये मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं मेरे कुछ दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकता, रियलिटी है ये, उनके घर बेटा नहीं हुआ या बेटी नहीं हुई तो उसमें पता क्या बोलते हैं, नुकिया सी ना पाउडर खा। ओ भाई लड़की का तो चेक करवा लो कुछ, कहीं उसमें कोई टेस्ट ठीक ना हो। ये है लोगों के अंदर में, लोग वो प्रोटीन है, लोग कहते हैं डब्बा खा रहे हो, डब्बा खा के बॉडी बिल्डर, डब्बा ये वर्ड है, डब्बा खा रहे हो, टीके लगवा रहे हो, एसेंशियल सप्लीमेंट्स, परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स, एनहेंसर्स, पैड्स, पेप्टाइड्स, ये नाम अभी बोल दिया ना मैंने, अभी उन बंदों को दिखाओ जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, यूं जाते हैं उनके सिर, पता ही नहीं है, डब्बा, टीका, गोलियां, चिट्टा पाउडर, चिट्टा पाउडर, ये चीज है। अगर मैं अभी ये ठोक के बोल दूं ये जो चीजें मैंने बोली हैं ये तुम्हारी बॉडी में वैसे ही है, तो क्या तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, क्या तुम्हारी बॉडी में क्रिएटाइन नहीं होता, क्या तुम्हारी बॉडी में ग्लूटामाइन्स नहीं है, तुम कैफीन पी रहे हो, तुम्हारी बॉडी चल कैसे रही है, पहले से नहीं है क्या? बिल्कुल है। अब टीकों की बात कर दूं, एनहेंसर्स, क्या तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स नहीं है, बिल्कुल हार्मोन्स के बिना चल रहे हो, डीएनए कैसे वर्क कर रहे हैं, इंसुलिन नहीं है क्या, बॉडी बिल्डर इसको प्रमोट करके ज्यादा ले रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक्सेस में कर भी रहा है। बिल्कुल, तो फिर तुम इन चीजों को इतना क्यों उठा रहे हो, रिस्पेक्ट स्पोर्ट्स। बट वो चीज हम है कि कोई भी चीज एक्सेस में नुकसानदायक है। डॉक्टर ने एक पर्ची में लिख दिया डिस्प्रिन 3 बार खानी है, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, वो अगर आप दो दो खा रहे हो मरोगे। बिल्कुल, डिसिप्लिन और जो ये पहली बार कर चुके हैं, डिसिप्लिन वो चाहिए और स्ट्रिक्टनेस मेन पूरा सारी वही है, पेशेंस है ब्रदर। अगर आप पेशेंस नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग आज ही छोड़ दो, आप एनहेंसर लगा लो, आप पैड्स लगा लो, आप परफॉर्मर सप्लीमेंट खा लो, चाहे वो नॉर्मल बंदा है चाहे नेचुरल, आपको क्या लगता है कि नेचुरल बंदे की बॉडी नहीं बनती? नेचुरल बंदे के दिमाग में यही है कि एनहेंसर से ही बॉडी बनती है।
और एनहेंसर के दिमाग में ये है अब शॉर्टकट में बॉडी बन जाएगी। ये दोनों तीनों चीजें गलत हैं। 2 साल एनहेंसर को दो, 2 साल नेशनल बॉडी बिल्डर को दो, 19-21 का डिफरेंस आ जाएगा। माइंड गेम है सारी, साइकोलॉजी इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। जब मैं कभी इस चीज से मुकरता नहीं हूं, मेरी हर वीडियो में देख सकते हो, पुरानी नई सब में, मैं सप्लीमेंट्स भी लेता था, मेडिसिन भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल गाय यार, ठीक है, मुझे इसमें मतलब गलत कुछ लगता नहीं है। आज मुझे पिछले, जब हम मेडिसिन करते हैं मुझे मेरे में स्ट्रेंथ कम लगता है, बल्कि जब हम मेडिसिन नहीं करते मुझे मेरे में स्ट्रेंथ ज्यादा लगता है। रीजन अबाउट पता है क्या आपको? तो भूख बढ़ जाती है, जब सप्लीमेंट्स रुक जाते हैं आपकी भूख बढ़ जाती है, आप उसकी रिकवरी के लिए अपना चिकन मटन ये वो सब ज्यादा कर देते हो, हाँ, मैक्रोस डाइट कहते हैं इसे। आपका मैक्रोस डाइट बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल। बट लोगों को पता क्या लगता है? गेनिंग करना है, इंजेक्शन लगाओ। ये है काफी, जितने भी यूथ है जो सुन रहा है उसको काफी कुछ समझ में आ रही होगी इन चीजों से लेके। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप मेरे कंपटीटर हो, आप एनहेंसर पैड्स लेके आए हो, मुझे लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं, आप मेरे कंपटीटर नहीं हो, आप कंपटीशन खेलते हो, मैं नहीं खेलता, मुझे क्यों लेना पड़ेगा? हम नेचुरल वे से भी चल सकते हैं, लाइफ टाइम जर्नी है, पूरी जिंदगी फिट रहेंगे। मेरी जिम में एक मैम आते हैं, 48 एज है उनकी, ये 2 दिन पहले ही उनको मैंने बोला, मगर मैम ड्रीम है आपके जितना फिट रहूं, आप जैसा एटीट्यूड रहे। कह रही थैंक यू अतुल, कह रही पहले बार किसी ने बोला, मगर नहीं मैम सच्ची कह रहा हूं, नेचुरल है, क्योंकि उसे खेलना नहीं है, उसे फिट रहना है, और वैसे ही लोग रहे मैं तो यही चाहता हूं। हाँ ये मतलब है उन्हीं के लिए कि जो मतलब मेन बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, ये सब प्रोटीन को डिब्बा कहना बंद करो, नहीं तो चिकन और मटन में पूरा प्रोटीन देना शुरू करो, ठीक है? अगर तुम्हें ये लगता है इंडिया के किसी फूड में प्रॉपर प्रोटीन है जितना तुम सुनते हो या ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं, मुझे वो दे दो, मैं वो खाना शुरू कर दूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं मैं सप्लीमेंट छोड़ दूंगा, और मेरे जितनी डाइट जो तुम कहते हो तो तुम खा के भी दिखाओ पास बैठ के, ना तुम्हें लूज मोशन लग जाए ना तो हो गया ना। बिल्कुल, और इसलिए प्रोटीन को डिब्बा बोलना बंद करो। ये सबके लिए है, ये होता है, पेरेंट्स के दिमाग में भी है। अगर मान लो कोई किसी ने बॉडी बिल्डिंग में जाना तो वो यही बोलते हैं कि यार डब्बे खा के बॉडी नहीं बनती, ये है लोगों की, अवेयर हो चुके हैं। दिल्ली फिटनेस इंडस्ट्री में, दिल्ली एनसीआर में आप जाओ, अब ये चीजें नहीं होती, अब थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में आ जाते हैं तो हो रही है, आज भी हो रही है। जितने भी लोग देख रहे हैं जो इस समय बॉडी बिल्डिंग में होंगे, वो काफी लोग आपसे मतलब इंस्पायर भी हैं, लोग इतने लोग फॉलो करते हैं, सब कुछ है। अगर वो अपने पेरेंट्स को आपकी वीडियो दिखाएं इस समय, आप उनके पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे कि अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं? सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना है? हाँ, इनडायरेक्टली आपका मेन मुद्दा ये है कि इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है, बेसिकली एट द एंड सबको पैसा चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है कि हर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, बिल्कुल मेरे से नहीं होती। तो इस लाइन में बात करते हैं इनकम की। सबसे पहले तो आप ना जब फिटनेस एक्सपर्ट की तरफ जाते हो, सबसे पहले एजुकेटेड हो जाओ, ठीक है? जब एजुकेटेड हो आप 4 लोगों के बीच बैठ के बात करोगे ना, 2 लोग आपसे जरूर इंप्रेस होंगे, बिल्कुल, और वो अपना सब कुछ छोड़ के ना आप पे पैसा लगाना शुरू करेंगे भी। एक बार देखे तो सही यार ये क्या देता है खाने में, ये क्या देता करने में। बड़ा तगड़ा एक मिथ है कि ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन कोई बिजनेस नहीं होता, ऑनलाइन आपको ना हमेशा जो क्लाइंट मिलेगा वो छोटा मिलता है। रीजन अबाउट पता है क्या? आजकल जो टीनएजर है वो आपको ऑनलाइन पे ज्यादा मिलते हैं, और जो ऑफलाइन है वो आपको एक लाइव फिटनेस वाले क्लाइंट मिलते हैं। और ऑफलाइन क्लाइंट कैसे मिलेंगे? किसी जिम में आपकी रेफरेंस से और आपकी एजुकेशन। बट हम सारी चीजों में सारी चीजें छोड़ के एक चीज अपना लेते हैं, बॉडी बनाओ। आप बॉडी बना रहे हो, कल को कोई आपको बिठा के ये पूछ लेता है, ये फिटनेस असेसमेंट टेस्ट है बना के देना, क्या आप बना पाओगे? किसी भी बॉडी बिल्डर से नहीं बनेगा, एजुकेटेड ही नहीं है। उसके लिए अमेरिकन सर्टिफाइड एजुकेशन करना जरूरी है, कैसे पॉसिबल हो? इसीलिए लोग इसमें इतना बिजी कर रहे हैं अपने आप को, वो अपनी एजुकेशन ही छोड़ रहे हैं। मैं लोगों के जो भी इस फील्ड में है या टीन एजर्स है उनके माँ बाप को यही बोलूंगा, आपका बच्चा अगर इसमें आना चाहता है उसे आने दो, बट उसे साथ साथ एजुकेटेड भी करो, उसे लाइफस्टाइल भी सिखाओ।
वो अपने बिग बाइसेप्स के साथ ना बिग टॉक करने वाला भी बंदा बनना चाहिए, फिर वो अर्न कर पाएगा। इस हिसाब से तो वो एमबीए करके घर बैठ जाएगा, क्या करेगा। अच्छा एमबीए में भी तो होता है ना, ग्रूमिंग की क्लासेस होती हैं, ये वो इसमें भी होती है। मैं एजुकेटेड का मतलब यही ले रहा हूँ कि एक ग्रूमिंग बच्चा होना चाहिए, उसको बात करने का तरीका होना चाहिए। फीमेल को कभी हाथ से टच करके बात नहीं करते, नमस्ते करके बात करते हैं, आपका हेड डाउन करके बात करना चाहिए। आपको किसी से बिजनेस लेना है तो आपकी कस्टमर सर्विस क्या होनी चाहिए, ये चीजें उसे पता होनी चाहिए, तो आप फिटनेस इंडस्ट्री के आप किसी भी फील्ड में पैसा कमा सकते हो। ये जितने भी लोग हैं जो बच्चे इस समय देख रहे हैं, वो इस चीज को अपनी लाइफ में अगर फॉलो करना शुरू कर दें तो आधे ज्यादा काम तो वही हो जाएगा। 17 साल का बच्चा अपने फॉलोवर बढ़ा के ना 3-4 लाख करके भाई वो मिस्टर वर्ल्ड को शिक्षाएं बांट रहा है। सोच सकते हो मिस्टर वर्ल्ड को शिक्षाएं बांट रहा है। सोशल मीडिया में बोलना बहुत आसान है ना आज की डेट, रोस्ट कर रहे हैं वो मिस्टर वर्ल्ड। मैंने खुद देखा है 3 लाख उसका फॉलोवर है लड़के का, मुझे नाम नहीं याद, 17 साल की उसकी उम्र है, वो फिल हिट को रोस्ट कर रहा है। मिस्टर ओलंपिया 8 टाइम्स, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर जो 8 बार बना है, उसको रोस्ट कर रहा है। भाई तेरी जितनी उम्र है ना, मेरे ख्याल से उससे बड़े उसके बच्चे होंगे, और जितना तू जिंदगी में आगे भी सीखेगा ना तो भी उसके हिसाब से एक मेडल नहीं आ सकता। बिल्कुल, और तू उसको रोस्ट कर रहा है, तू एक बार जाके उससे स्ट्रगल तो पूछ उसका। वही ना, ये सोशल मीडिया मतलब कह लो कि आप इसकी पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी, दोनों ही है। हम ये हमारे हाथ में, कंप्लीटली हमारे हाथ में है कि हमें किस चीज को देखकर क्या सीखना है। हम ज्यादातर मेरे पॉडकास्ट में हम यही बात करते हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, कहते कोई फूड ब्लॉगर आ गया या कोई भी ब्लॉगर आ गया, उनको उनके लिए भी यही चीज है कि लोग कुछ भी बोल देंगे। अगर मान लो कोई फीमेल है या कुछ भी है तो कमेंट्स करना बहुत आसान है यार, इतने से कपड़े डाल लो और 2 मिनट में वीडियो वायरल कर लो। मैंने एक चीज सीखी है सोशल से, किसी को नीचे करके अपने को मत उठाओ, छोड़ो जो बोल रहा बोलने दो। इंस्टाग्राम पे आजकल कुछ बच्चे आए हुए हैं, वो इंजेक्शन लगा के दिखा रहे हैं, वो लगाता है तो इतना लगना चाहिए, लीव इट, सब कुछ इग्नोर करो, अपने आप को बताओ हम क्या कह रहे हैं, करना क्या चाहिए, होता क्या है, आप अच्छे हो ना, आप ऑनेस्ट हो, लोग आपको सुनेंगे। आपको सुन रहे हैं इसलिए लोग, क्योंकि कई लोग मैं देख रहा हूं आजकल हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े नाम दिए हैं कई, जो वो ये कि ग्लैमर दिखाना, जिम में भी लोगों ने अपने फीमेल पार्टनर्स है जो उन्हीं को जिम में लाना शुरू कर दिया है, ठीक है, प्रमोशंस मिलती हैं, मतलब बहुत कुछ है। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, तो आपने इस माइंडसेट को बनाने के लिए क्या किया, मतलब कैसे अपने आपको रोका है कि मेरे को ये काम नहीं करना तो नहीं करना। 3-4 रूल्स है लाइफ में। पहली बात, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे अंकल हो चाहे आंटी, चाहे भाई हो चाहे बहन, जिम में दूर से ये सोचो पैसे कैसे लेने। अब पैसे ले लिए, उसे रिजल्ट कैसे देना है। जिम के बाहर वो तुम्हारा भाई बहन है, वो तुम्हारे अंकल आंटी है, वो तुम्हारे दोस्त है, जो मर्जी रखो, जिम में तुम प्रोफेशनल होने चाहिए। और किसी भी तरीके से अगर ऑनलाइन भी ये काम कर रहे हो तो वो तुम्हें प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर एक फीमेल को कंफर्टेबल नहीं होता तुम्हारे साथ वर्कआउट करने में, काम करने में, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आजकल के लोगों में सबसे बड़ी कमी है, आजकल लोग ट्रेनर की जॉब लड़कियों के लिए कर रहे हैं। आजकल के लड़के ट्रेनर की जॉब इसलिए कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि जिम में ट्रेनर की जॉब करने से हमारी बॉडी बन जाएगी। मिथ बदलो, अपने सोच बदलो। अगर आपका गोल कुछ और है तो उसे अचीव करो, ये छोड़ो, ये आपको सारी लाइफ मिलेगा। अरे यार लड़के लड़कियां सब बढ़ाते हैं, ठीक है, सबके शौक होते हैं, ठीक है, लड़कियों के भी होते हैं, तो ये लाइफस्टाइल आपका कभी मिल जाएगा, और इसको साइड बाय साइड चलाना है चलाओ, बट जो आपका प्रोफेशन है उसमें किसी को मत आने दो, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो। एक टाइम पे तो अपने मम्मी पापा को भी कह दो आज काम करने जा रहा हूं, काम करके आऊंगा। प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, बिल्कुल। किसी ने एक रूल बनाए थे ना, आपकी जॉब पे फोन अलाउड नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, फोन से बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बट फोन पे आपके पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं। अगर आपके पास फोन नहीं है, आपका प्रोफेशनली दिमाग बड़ा फोकस रहता, ये होता है। आप इसको पॉजिटिव वे से भी लो, बिल्कुल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां फोन अलाउड नहीं है, भाई तू वहीं जा, तरक्की करेगा, क्योंकि फोकस रहेगा ना अपने काम में,
बाहर की चीजें जो तैसे जुड़ी हुई है वो तेरे को उस समय डिस्टर्ब नहीं कर रही, ना डिस्ट्रैक्ट होगा तो अच्छा काम चलेगा तेरा। मेरे बारे में लोग कहते हैं, कुछ एक लोग, इसको बड़ी चुल रहती है, इसको चुल ज्यादा है, चुल बता तो क्यों कहते हैं। मुझे कोई कह दे ना वहां नहीं जाना, मैं जाता जरूर होता हूं, मुझे देखना है एक बार जाके वहां क्या होता है। सेम मुझे कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, मैं उसे बुरा करने देता हूं, मैं कहता हूं और कर, मुझे देखना है किस हद तक जा सकता है। मुझे कोई किसी ने बोला उस जिम में जाके जॉब नहीं करना, वहां पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट है, तू तंग हो जाएगा, मुझे जाके देखना है क्यों हो जाऊंगा। और जब मैंने वहां जाके जॉब की, OMG जिम था, नाम बता रहा हूं आपको, 2020 में बहुत गंदे रिव्यू सुने थे उसके बारे में, भाई ऐसा ऐसा है ऐसा। मैंने वहां जाके अपने रूल्स बनाए जो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जो आज भी चलते हैं उस जिम में। वो स्ट्रिक्ट जिम नहीं था, वो सिर्फ आपको रूल फॉलो करवा रहा था, और जो मैंने जाके बनाया वो प्रोफेशनली रूल्स बना दिए जो और स्ट्रिक्ट हो गए। जिम नीचे की बजाय ऊपर हो गया। रूल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप रूल्स कैसे बना, रूल्स और लीडर, आपका रूल और लीडर अच्छा नहीं, बस बॉस तो गए, रूल आज का टाइम बॉस का नहीं, लीडर का, लीडर बनो। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप कुछ कह रहे हो उसको मनवाओ भी लोगों से। बिल्कुल, पहले इसीलिए शायद थोड़ा सा कहते होंगे कि आपकी इमेज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मानी जाती है। हाँ, सब कहते हैं, है ना, सब कहते, पर ऐसा लगता नहीं ऐसे नॉर्मली मिलके, बट एक सोशल मीडिया पे है या वो दूर दूर से ही है, है ना, क्योंकि हमें तो नहीं ऐसा लगता। कुछ लोग कहते हैं अकड़ा हुआ है, और जो भी कहता है वो फिर ठीक नहीं है, वो इंसान उससे दूर रहो, उससे दूर रहना। कभी ट्रेवल भी करता हूँ, ट्रेन में भी कोई मिल जाता है, देखो फिजिक ऐसा है, तो लोग आपको देख के पूछते हैं यार, एक कॉल पे अगर हम एक जस्ट हमने मैसेज किया कि हम कुछ ऐसा सा कर रहे हैं, वो गुड़गांव से आ रहे हैं स्पेशली शूट पे, तो ना तो बंदा कह सकते हो आप, ठीक है ना, अकड़ू कह सकते हो, ना कह सकते हो कि भाई अपने अहम में जी रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है यार। तो ये सब कह रहे, जितना जुड़ के चलो उतना अच्छा होता है, और जितना वो पुराने में माँ बाप सही कहते थे, बरगद के पेड़ वाली कहानी सुनी है ना आपने, कुछ नहीं बड़ा उन चीजों में ऊपर करके जीने में। बॉडी बिल्डिंग में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है आजकल, सबको सिक्स पैक ऐप चाहिए। यमुनानगर में भी बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने अच्छी बॉडी बनाई हुई है, और उनको देख के भी वे लोग इंस्पायर होते हैं, नेचुरल भी है, और जैसे आप बता रहे हो कि साइकिल्स जो चलती हैं वो भी है। तो ये अगर हम एंड करते हुए इसको, लोगों को एक मैसेज दें कि ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा सा एक बार गाइड कर दें जो इस स्टेज में है, अभी ग्रोइंग स्टेज में। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि ये नहीं करनी चाहिए अगर आप स्टेज पे नहीं जाते। ओके, बट एक्चुअली में क्या है कि वही बात आ जाती है कि ग्रेजुएशन के पेपर में अगर चीटिंग होती है तो चीटर जीत जाएगा अगर आप भी चीटिंग नहीं करोगे तो। देखो एक्चुअली में है तो ये चीटिंग, अगर मेडिसिन अगर लीगल होती तो आपको जगह जगह हर सप्लीमेंट की शॉप पे वैसे ही नॉर्मली मिल जाती। मैं कहना चाहूंगी ट्रेनर्स के पास छुप के ना मिलती वॉशरूम में जाके नहीं मिलती टीका लगना तो दोनों साइड में आना। बट देखो ब्रदर, अब ऐसा है कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, अब आप इसे यूज कर सकते हो, बट एक ढंग के और एक अच्छे ट्रेनर से। अब वो आपको कैसे मिलेगा, वो चॉइस आपकी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर एक अच्छा ट्रेनर नहीं होता, मैं नहीं ये कहूंगा कि जिसके पास बॉडी है वो ट्रेनर नहीं होता, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो आपको दिखने में ट्रेनर नहीं लग रहा वो ट्रेनर नहीं होता। ये ऐसी चीज है जो एजुकेशन तो जरूरी है ही, एक्सपीरियंस भी जरूरी है। अब कुछ एक लड़के हैं जिनको मैंने देखा है, वो पढ़े लिखे नहीं है बट एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, उन्होंने इतने क्लाइंट्स अपने रेडी कर लिए हैं कि वो एक्सपीरियंस के कारण ही आपको सही सुजेस्ट कर सकते हैं। कई लोग हमने देखे हैं ऐसे कि जिनकी बॉडी इस समय वैसी नहीं है, लेकिन वो बहुत लोगों को ट्रेन करते हैं। थे हाँ, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करते थे। अब प्रेजेंट में मेरा मैसेज आज के लोगों को सबसे ज्यादा यही है, आप प्रेजेंट में मत जियो। बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस प्रेजेंट वाली नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि आज के टाइम में जिसकी बॉडी है यही हमें ट्रेन करेगा, बिल्कुल गलत है। आपको उसे जरूर चेक करना चाहिए, अगर वो आपको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट से बोल रहा है उस पर जरूर ट्रस्ट करो। हो सकता है वो पहले एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर रहा हो, आज उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो बस सबको यही कहना है कि आप कर रहे हो जरूर करो, एक अच्छे ढंग से करो, सिस्टमेटिक वे से करो, एक प्रोटोकॉल रेडी करो, एक ब्लू प्रिंट तैयार करो कि 3 महीने 90 डेज 120 डेज कब तक कर सकते हैं और कौन करवाएगा, टाइम दो। जो ये आजकल सोशल मीडिया के कारण थोड़े इन्फ्लुएंस हुए लोग कि ऐप चाहिए चाहिए, उसके लिए वो जो कर रहे हैं ये सब, तो उनके लिए तो फिर ये गलत ही है, हानिकारक ही है एट द एंड, क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए।
और उनको किसी कॉम्पिटिशन में भी नहीं जाना, बट उनको इम्प्रेस करना लोगों को, उसके चक्कर में वो अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करते। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम नहीं सॉरी, बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, बेवकूफ कहता हूँ मैं उसे, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता क्योंकि आजकल नाम लेने पे लीगल नोटिस आ जाते हैं, लोग समझ जाएंगे, लेकिन तो समझ गए होंगे ये जब मैं बोलूंगा। वो आपको प्लेटफॉर्म पे जाके इंस्टाग्राम के वो ये तक बता रहा है, आज मैं ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ, देखो ये रहा इंजेक्शन, ये मैंने भरा और ये लगा लिया, आज मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है, देखो ये आ गया, और अब आप देखना तुम्हारा भाई 3 महीने में जीत जाएगा। उसे गाइनो की प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं उसे नोटिस कर रहा हूं, आज उसे 6 महीने हो गए हैं, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। अब वो क्या बनाने लगा इन चीज को, मैंने पहली बार किया था इसीलिए रिजल्ट नहीं आया, पहली बार में किसी को रिजल्ट नहीं आता। अरे बेवकूफ, तूने किसी के अंडर नहीं किया इसलिए तुझे रिजल्ट नहीं आया। यू डोंट नो अबाउट वर्कआउट प्लान, यू डोंट नो अबाउट मैक्रो माइक्रो डाइट्स, कहां गई सब, सिर्फ इंजेक्शनों पे चल पड़ा। गुरु होना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो मेरा भी है, एक नेशनल प्लेयर का भी होता है जो अभी खेल रहे हैं, एक छोटे बच्चे का भी होता है और एक इंटरनेशनल प्लेयर का भी होता है, मिस्टर ओलंपिया जो सबसे बड़ा शो होता है उनके भी होते हैं, बट इनको गुरु की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम वालों को, ये सब कुछ सीखे हुए हैं। हाँ, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सीखते हैं, वहीं से ट्रेनिंग क्रैश कोर्स करते हैं, बिल्कुल 30 दिनों का पर शुरू हो जाते हैं, ये सब कुछ सीखे हुए हैं, ये भगवान है, इनको गॉड कह सकते हो, और उनसे बड़े भगवान क्लाइंट है जो इन पर ट्रस्ट करके बैठे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। क्लाइंट भी है और जो छोटे बच्चे बेचारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो कर लेते हैं ये काम, उनके लिए उनकी बॉडी से खिलवाड़ हो रहा है। एक्चुअली में आपको, आप इन्फ्लुएंस उससे हो रहे हो जो आपको, हम आपको ये कह रहे हैं जहर नहीं लेना चाहिए, वो आपको कह रहा है जहर इस तरीके से लो, अभी लो ठीक हो जाएगा, देखो मैं भी तो ले रहा हूं तुम भी लो, बट वो कहना कहीं उसको भी हार्म कर रहा है, वो कर चुका है, बट उसने इंस्टाग्राम फॉलोवर के चक्कर में वो सब कर दिया है। अब मैं उसे देख रहा हूं और अब आपको पता है उसे थेरेपी नहीं आ रही कि वो सही कैसे होगा, ये भी गलत ही है लोग, और उसे इंसान मैं तब मानूंगा अब वो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करे जो उसको हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप इस फील्ड के हो, आपको तो उसमें चेंजेस भी दिख रहे होंगे कि क्या गड़बड़ हो रही है उसके अंदर, क्योंकि आप ये लाइफ जी रहे हो, आप कर चुके, ये सब आपको पता है, बल्कि उसके आने से ना हमें फायदा हो गया। अब हम कई सीनियर आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं तो उसका एग्जांपल जरूर लेते हैं, जैसे आज लिया जा रहा है, लोगों को गाइड करने के लिए कुछ ना कुछ एक एग्जांपल तो हो, वो खुद एग्जांपल तैयार हो रहे हैं लोग। आजकल किसी के सामने बैठ के इंजेक्शन लगाना, किसी के सामने बैठ के गोली खाना एक शोशा बन गया है, उसमें आप ये शो करते हैं आई एम प्रोफेशनल। आज मैं गुड़गांव से आ रहा था तो मैं अपना 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट बॉइल करके साथ लेके आया था, क्योंकि ये बना बनू नहीं सकता था, टाइम कम था। मैंने रस्ते में से एक चावल कड़ी की प्लेट ली, उसके ऊपर डाला और छिपके खा रहा था। पता क्यों छिपके खा रहा था, कि मुझे कोई देखे ना, लोग सोचेंगे इसके इतना बड़ा फिजिक है, ये ड्रामे कर रहा है, बट मेरी डाइट थी। जब वो खत्म हो गया तो मैंने एक बिस्की का पैकेट निकाला, वो सबके सामने बैठ के खाया, क्योंकि वो नॉर्मल था। आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आपको मत शो करो, कोई फायदा नहीं। और जो अधूरा ज्ञान ले लेते हो वो भी हानिकारक है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस समय। मैसेज बस एक लास्ट में सबको यही है, टीचर जरूर हायर करो, टीचर जरूर हायर करो, बस। चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे आपकी डाइट का हो, चाहे आप वर्कआउट का हो, विश्वास करो पैसे वेस्ट नहीं होंगे, ट्रस्ट करना जरूरी है उस पे, उसको अपना सब कुछ दे दो। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में आप लोगों को मजा आया होगा। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में होंगे या थोड़े बहुत भी अपनी बॉडी के ऊपर काम करते होंगे, उनको बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में, पर अफसोस कि पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, हमें इसको ब्रेक देनी पड़ेगी, और सर को फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा बुलाएंगे जब भी सर यमुनानगर आएंगे। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग जरूर जाना, और अगर आप पर्सनली डायरेक्ट पूछना चाहो तो भी आप पूछ सकते हो सर को, मैसेज करो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि रिप्लाई नहीं आएगा या बंदा कड़ में, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तुम लोगों के सामने जेन्युइन बंदा है, ठीक है ना, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। लोग वही है कि जिसने ताजमहल नहीं देखा वो ये कहता ताजमहल है ही नहीं, ठीक है ना, तो जिसने स्वभाव देख लिया वो जानता है कि हाँ चिल है सब कुछ। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी पसंद आई होगी आप लोगों को, तो इस वीडियो को भी प्यार देना, लाइक कर देना, शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, किसी ने कुछ भी पूछना हो डायरेक्टली सर को पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आप लोगों को शो हो रहा है। एंड थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें चांस देने के लिए, आपसे मिलने के लिए, ये समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।